लखनऊ कमिश्नरी में राजधानी वासियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे का प्रयास लगातार जारी है। नमस्ते लखनऊ अभियान के तहत जनता के बीच अपनी पैठ बनाने वाली लखनऊ पुलिस ने एक और पहल की है। यह पहल खास तौर से महिलाओं और छात्राओं के लिए है। इस वर्ग के लोगों को सुरक्षा देने के लिए लखनऊ कमिश्नरी में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के डायल 112 के अभिव्यक्ति सभागार में आयोजित स्वाभिमान महिला सुरक्षा कानूनी और सामाजिक पहलू के तहत छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी टिप्स दिए गए। लखनऊ की विभिन्न कॉलेज की छात्राओं को पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके क्या अधिकार हैं और कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। एक डेमो के जरिए बताया गया कि कैसे विषम हालात में महिलाएं खुद को सुरक्षित कर सकती हैं। इस दौरान छात्राओं के सवालों का पुलिस अधिकारियों ने जवाब भी दिया। कार्यक्रम में लखनऊ के ज्वाइंट CP और DCP महिला क्राइम शालिनी के साथ ही तमाम अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे की पहल लगातार जारी है। कभी नमस्ते लखनऊ के जरिए लोगों को एहसास कराती है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस हर वक्त उनके साथ है, तो कभी महिलाओं को सुरक्षा देने और उन्हें जागरूक करने के लिए नई नई पहल करना। इसी कड़ी में सुजीत पांडे की पहल पर स्वाभिमान महिला सुरक्षा कानूनी और सामाजिक पहलू कार्यक्रम खास कर महिलाओं और छात्राओं के लिए समर्पित था। सुजीत पांडे ने मंच पर बताया कि कैसे वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कुटुंब अभियान हो या फिर साथी अभियान, सभी अभियान महिलाओं और छात्राओं के लिए ही समर्पित हैं। ADG 112 असीम अरुण ने भी मंच के जरिए छात्राओं को बताया कि उनकी सुरक्षा के लिए कैसे महिला पुलिसकर्मियों को कहां कहां पर तैनात किया गया है। साथ ही यह भी बताया कि महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेणुका मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद महिला सुरक्षा पर ध्यान देना है, लड़कियों को जागरूक करना है कि क्या उनके अधिकार हैं और उनके प्रति क्या अपराध नहीं होने चाहिए। अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो किसको फोन करें। रेणुका मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम के जरिए स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे वह और बेहतर काम कर सकती हैं। बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध एक बड़ी समस्या है और इस पर विराम लगाने के लिए पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट को चुनौती मानते हुए उस पर तेजी से काम शुरू किया है। UP के कई जनपदों के साथ लखनऊ में भी पॉक्सो एक्ट के मुकदमों को चिन्हित कर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत इन मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होगी और आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करेगी। लखनऊ के ठाकुरगंज और मलियांव थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट की सुनवाई लखनऊ पुलिस के लिए नजीर बन गई है। इसमें महज कुछ ही दिन में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। रेणुका मिश्रा ने बताया कि ऐसे मामलों में जल्दी सजा होगी तो इसका असर भी होगा और ऐसे अपराधों में कमी आएगी। देश तो ये है कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस के, वो अवेयर हो जाएं कि उनके राइट्स क्या हैं, क्या उनके प्रति अपराध नहीं होने चाहिए, और अगर कहीं हुआ तो उन्हें ये समझाया जा सके कि ये अपराध किस तरह से होता है और किन कारणों से होता है, ताकि वो सतर्क भी रहें और कार्रवाई भी कर सके आगे। अगर कोई, मान लीजिए कोई घटना घटित होती है या उनको कोई अंदेशा होता है कि कोई घटना घटित हो सकती है, तो वो किसको फ़ोन करें, किससे संपर्क करें और किस प्रकार से वो अपनी समस्या का समाधान पा सकती हैं। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज़, लखनऊ।